चलिए भैया बहनों, कक्षा 9 विषय हिंदी भाग पद्य भाग का दूसरा अध्याय जिसका नाम है लद्यत। लद्यत का कवि परिचय अपन लोगों ने कर लिया था, तो उसके शीर्षक दिया उन्होंने भाग जिस प्रकार कबीरजी दो का उपयोग करते हैं, मीराबाई ने पद्य लिखे हैं, तुलसीदास जी जैसे चौपाइया लिखते हैं, उसी प्रकार लद्यत ने अपने भाग के सारे अपने पद्य भाग में रचना की है। तो सबसे पहले अपने शब्दार्थ देखेंगे। वाक जिसका अर्थ है वाणी, कच्चे सकोरे यानी कि स्वाभाविक रूप से कमजोर, रसी कच्चे धागे की यानी कि कमजोर नाशवान, इस शरीर को बताया है। नाव जीवन रूपी नाव यानी कि अपना जीवन है वो नाव के समान होता है। सम अंतःकरण यानी कि अपना हृदय, बंद द्वार यानी कि मन मुक्त, मन से मुक्त होना, गई न सीधी राह है जीवन में ये संसारिक चल रूपी रास्ता, जेब कटोरी आत्मलोचन करना यानी कि अपने हृदय में विचार विमर्श करना, मन में सोचना, यह जेब कटोरने का अर्थ है। कोड़ी ने पाई यानी कि कुछ भी प्राप्त नहीं होना, कोड़ी कहते पैसे। माची यानी कि गुरु, गुरु का नाम भी मानती है, ईश्वर भी नाम है और स्वामी नाम है, ये माची के तीनों रूप एक है। इसी प्रकार थल थल यानी कि सर्वत्र, यानी कि थल का मतलब होता है जगह जगह, जगह जगह का अर्थ है सर्वत्र बताया। शिव यानी कि ईश्वर और शायद इन्होंने अपने भगवान को बताया, साहिब मालिक को बताया, भगवान को बताया। तो सबसे पहले इनका एक वाक्य दीजिए, पहली बार जिसका अर्थ अपने लोग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दीजिए क्या लिखा है पहली बार में कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही हुई नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीवे उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह मेरी। अर्थात पहले बात में कवित्री ने बताया है किस प्रकार बताया कि जैसे कच्चे रस्सी कच्चे जाते ही यानी कि अपना जीवन है वो कच्चे रस्सी के धागे से बंधा हुआ है, अर्थात अपने खुद को कह रही है कि मेरा जीवन है वो कच्चे धागे से बंधा हुआ है और जीवन रूपी उस नाव को मैं खींच रही है। जाने तो सुन मेरी पुकार यानी कि मेरे भगवान मेरे मालिक कब मेरी इस पुकार को सुनेंगे, अर्थात मेरे जीवन दुखदायी जीवन को कैसे करें देव सब भव सागर का यानी कि संसार रूपी समुद्र से, भव का मतलब है संसार रूपी समुद्र से मुझे कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे मेरा जीवन कैसा है, कच्चे पानी के घड़े के समान है जिसमें से पानी निरंतर यानी कि टपे गिरता रहता है बूंद बूंद के रूप में, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मैं अपने जीवन में बहुत सारे जीवन को सफल करने का प्रयास कर रही हूँ, वो सारे के सारे प्रयास मेरे निर्थक हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। फिर क्या कही है, जीवे उठती रह रहे हूँ, कवियत्री कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे जीवे बहुत सारी बातें तरह तरह की बातें मेरे मन के अंदर आती हैं और ऐसे लगता है कि घर जाने की चाह मेरे
यानी कि मैं मेरे घर पे जाना चाहती हूँ, इस संसार को छोड़कर के मुक्त होना चाहती हूँ, इस प्रकार की इच्छाएं मुझे मेरे दिमाग में रहती है। तो इस द्वारा इसका पूर्व सरण सुनिए। कवियत्री नंदन ने पहले बात में बताया कि मेरा जीवन है, हम सभी का जीवन है, वो कच्चे कच्चे धागे के धागे से बंधा हुआ है, अर्थात वो नाव के समान है और कच्चे धागे से वो जीवन रूपी नाव बंधा हुआ है, उसे खींच रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरी पुकार यानी कि मेरे भगवान मेरे मालिक कब सुनेंगे कि वो इस संसार रूपी सागर से मुझे पार करेंगे। मेरा जीवन उस पानी के कच्चे मटके के समान है जिसमें से पानी गिरता रहता है, जितने भी मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं जितने भी मेहनत कर रही हूँ, सारे के सारे प्रयास है वो क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। मेरे जीवन में जी में बहुत तरह तरह की बातें आती है कि मैं इस संसार को छोड़ करके चली जाऊंगा, लेकिन ये वो संसार मुझे इससे छुटकारा नहीं मिलता है। ये था पहला बात। दूसरे ने क्या लिखा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा हेंडारी, सब खा तभी होगा संभावी, खुले के साकल बंद द्वार की। इसमें बहुत अच्छा कहा है, देखिए हम सभी के लिए कवियत्री ने बताया है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अरे कुछ खाने के लिए है तो वो खा, नहीं खाएगा तो तू क्या बनेगा, अहंकारी बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा। इस प्रकार कुछ गम कुछ संसार के लोगों के साथ में मिलने की और इस प्रकार दुनिया के साथ में मिलजुल नहीं तो तू क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। सब खा, खाना नहीं सब का मतलब सब खा, अंतकरण अंतकरण में सोच, अपने हृदय को टटोल और संभावी हो, सबको समान दृष्टि से देखने वाला बन, अंतकरण में कर्म में विमोचन करके अंतकरण को शुद्ध करके तू संभावी हो, यानी कि सबको समान देखने वाला बन, खुले की साकल बंद दबा के। तब क्या है, ये साकल से बंधा हुआ तो अपना शरीर है मन है, वो द्वार की यानी कि वो दरवाजा है, वो साकल से बंधा हुआ है, वो मन है, मन रूपी वो दरवाजा है, वो साकल से बंधा हुआ है। जब तू सम खाएगा तो सबको समान दृष्टि से देखेगा, तभी तेरा वो द्वार है, वो साकल से बंधा हुआ है मन है, वो इस मोह माया से मुक्त होगा। इस संसार से मुक्त होने के लिए उस साकल से बंधा हुआ है उसे मुक्त होने के लिए तुम्हें सब खाना पड़ेगा, यानी कि अंतःकरण पर सोचना पड़ेगा और सबको समान दृष्टि से देखना, सबको समान दृष्टि से समझना, तब ये तेरा अंतःकरण का सुधार होगा। बाकी देखेंगे बाद में। धन्यवाद।